पीठ पीछे मारी गोली उनको, पीछे से यहां मारी और मुंह से बाहर निकली उनकी गोली, ऐसे गोली मारी। सामने आते ना तो चीर फाड़ देते मेरे पापा, मुझे पता है ना उनको कोई ऐसे ही नहीं मार सकता था, ना ही वो यूं ही मरने वालों में से थे। वो थे नहीं ऐसे कि वो यूं ही मर जाते, उनको मारना कोई आसान बात नहीं थी। वो बोलेंगे कि सरपंच, मैं जानती हूं मेरे पापा क्या थे, उनको मारना कोई आसान बात नहीं थी। जो इंसान पता है कि पूरी उनको ऑब्वियसली किसी सरपंच को पता नहीं होता है कि कश्मीर जहां वो काम कर रहे हैं वो कैसा भरा पड़ा है, जब वो बेधाड़ निकल जाते थे पूरे कश्मीर को घूमने के लिए, उनको मारना कोई आसान बात थी क्या? वो अपनी पूरी फैमिली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके जाते थे कि मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, उनको मारना आसान बात है? पीछे से गोली मारी उन्होंने मेरे पापा को, कायर है वो, उनको पता था कि ऐसे नहीं होने वाला अजय भारती को कुछ, हमें छुपके वार करना पड़ेगा। और सर हर इंसान, जब पापा ने सिक्योरिटी मांगी भी थी बीच में, जब पापा ने सिक्योर, मैं जानती हूं वो अपने लिए नहीं डरे, फैमिली, क्योंकि फैमिली के लिए हर इंसान डरता है, अपनी जान की परवाह किसी को नहीं होती, क्योंकि खुद क्या, खुद मर जाता है फिर पता भी नहीं चलता इंसान को। मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज जस्ट क्लोज टू डेथ, मेरे को पता है मैं जब अनकॉन्शियसनेस से बाहर आई थी, मैंने बोला था पापा को कुछ फील नहीं होता, जब आप लोग यू चले जाते हैं ना तब आपको कुछ फील नहीं होता है, पता है मुझे कुछ फील नहीं होता, तभी मुझे मरने से डर नहीं लगता। बट द थिंग इज फैमिली के लिए डरता है इंसान, हर इंसान डरता है फैमिली के लिए। मैं अभी, मेरे को भी अपनी फैमिली की चिंता है, मैं बेदौड़ से बोल रही हूं क्योंकि मैं बाकियों को जगाना चाहती हूं, गवर्नमेंट को जगा रही हूं मैं, करो कुछ।